क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर ए बाई बी इजिकल टू बाई थ्री है, बी बाई सी इजिकल टू फोर बाई फाइव है, तो यहाँ पर ए प्लस बी डिवाइडेड बाई बी प्लस सी का वैल्यू पूछा गया है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए ए बाई बी इजिकल टू बाई थ्री है, मतलब ए इज टू बी इजिकल टू टू इज टू थ्री है, ठीक है, और यहाँ पर बी इज टू सी इजिकल टू फोर इज टू फाइव है। ए इज टू बी इज टू सी क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ए का रेशियो हो जाएगा टू इंटू फोर इजिकल टू एट, उसके बाद बी का रेशियो हो जाएगा फोर इंटू थ्री इजिकल टू ट्वेल्व, और सी का रेशियो हो जाएगा 3 इंटू फाइव, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 15, ठीक है। उल्टा एन की तरफ हमें जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर ए इज टू बी इज टू सी का रेशियो हो जाएगा 8 इज टू 12 इज टू 15। तो यहाँ पर ए प्लस बी, मतलब यहाँ पर ए प्लस बी मतलब 8 प्लस 12 हो जाएगा ऊपर में, बी प्लस सी मतलब 12 प्लस 15 हो जाएगा नीचे, इजिकल टू ऊपर हो जाएगा 20, नीचे हो जाएगा 27, ठीक है। तो यहाँ पर 20 बाई 27 आंसर।